एनआरसी समेत सरकार की कई नीतियों के खिलाफ आज भारत बंद। देश भर की कई ट्रेड यूनियन ने किया बंद का ऐलान। 10 केंद्रीय मजदूर संगठन भारत बंद में शामिल। बैंक कर्मचारियों ने बंद का किया समर्थन। बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, अन्य सुविधाएं प्रभावित। 25 करोड़ लोगों के बंद में शामिल होने का दावा। हावड़ा में प्रदर्शनकारियों ने रोकी ट्रेन। सरकार के खिलाफ नारेबाजी। पश्चिम बंगाल के मालदा में बंद समर्थकों ने लगाया जाम। सड़क पर आगजनी। जलपाईगुड़ी में चाय बागान के मजदूर बंद के समर्थन में रेल रोकने उतरे पटरी पर। उत्तर 24 परगना में सड़क पर उतरे समर्थक। ट्रैफिक जाम। बैरकपुर में लेफ्ट और कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे स्टेशन। बंद कराने की कोशिश। मिदनापुर में ट्रेड यूनियन ने कराया बंद। बस सेवाओं पर असर। सिलीगुड़ी में बंद की वजह से स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के ड्राइवरों ने किया इंतजाम। हेलमेट लगाकर चला रहे हैं बस। दुर्गापुर में लेफ्ट समर्थित ट्रेड यूनियन के समर्थकों का बंद। मालगाड़ी रोकने की कोशिश। उत्तर 24 परगना के श्यामनगर में बंद समर्थकों ने रोकी रेल। ट्रेड यूनियन के कर्मचारियों का प्रदर्शन। यादवपुर में लेफ्ट का प्रदर्शन। पटरी पर आकर रोकी रेल। ईस्ट मिदनापुर के हल्दिया में हाईवे पर आए प्रदर्शनकारी। रास्ता जाम। गुवाहाटी में दिखा बंद का असर। सड़कों पर कम दिख रही हैं गाड़ियां। आज से 2 दिन तक देश भर के कई छात्र संगठन बड़े स्तर पर प्रदर्शन का ऐलान कर चुके हैं। पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में छात्र प्रदर्शन में शामिल। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधिकारी आज जेएनयू वीसी जगदीश कुमार से कर सकते हैं मुलाकात। वीसी की छात्रों से दोबारा कैंपस आने की अपील। जेएनयू हिंसा मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं। दिल्ली पुलिस छात्रों, प्रोफेसर और सुरक्षा गार्ड के बयान करेगी दर्ज। फोरेंसिक टीम जांच में जुटी। लोगों से मामले की तस्वीर मांगी। जेएनयू में रजिस्ट्रेशन दोबारा शुरू। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया का बहिष्कार करेगा जेएनएसयू। जेएनयू में हिंसा के खिलाफ छात्रों को मिला दीपिका पादुकोण का साथ। कन्हैया कुमार के प्रदर्शन में छात्रों के साथ नजर आई दीपिका। घायल जेएनयू छात्र अध्यक्ष आयशी घोष से मिली दीपिका। 10 मिनट तक जेएनयू कैंपस में रही। आज तक से बातचीत में दीपिका ने जेएनयू में छात्रों के साथ हुई हिंसा पर जताया दुख। बोली मौजूदा हालात हिंदुस्तान के सिद्धांत के खिलाफ। दुख भी होता है और आई थिंक हमारे देश का जो एक फाउंडेशन है ये तो जरूर नहीं था। जेएनयू में दीपिका की चुप्पी पर कन्हैया कुमार का तंज। बोले मुझे नहीं पता दीपिका आई थी जेएनयू। पादुकोण यहाँ आई क्या? अच्छा आई थी। उन्होंने आई थी, हम नहीं देख पाए। हम तो नाराज, हम तो अपनी जनता देख रहे थे। कई लोगों को बीजेपी प्रवक्ता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने दीपिका को बताया टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थक। एक्टर वरुण धवन ने किया जेएनयू हिंसा का विरोध। बोले दोषियों को मिले सख्त सजा। जेएनयू में हिंसा को लेकर देर रात प्रदर्शन। कैंपस में छात्रों ने निकाला मार्च। दुर्गापुर में लेफ्ट की रैली में शामिल हुए जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष आयशी की मां। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने जेएनयू हिंसा के पीछे लेफ्ट को बताया जिम्मेदार। बोले एबीवीपी के छात्रों को बना रहे निशाना। झांसी में एनएसयूआई का अर्धनग्न प्रदर्शन। एसपी ने मारा चाका, 5 लोग हिरासत में। प्रयागराज में जेएनयू हिंसा पर नाराज छात्रों ने की अमित शाह का पुतला फूंकने की कोशिश। पुलिस के साथ छीना झपटी। रोहतक में जेएनयू हिंसा के विरोध प्रदर्शन के दौरान 2 छात्र गुटों में झड़प। एबीवीपी ने दिल्ली पुलिस के समर्थन में लगाए नारे। अब 3 चरणों में खुलेगी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। 15 दिसंबर के बाद एएमयू में है बंद। उत्तराखंड के जोशीमठ में जोरदार बर्फबारी। 100 से ज्यादा गांव में बत्ती गुल। उत्तराखंड की यमुना घाटी में बर्फबारी। गुलाबी कांठा और बुग्याल में हर ओर बर्फ ही बर्फ। चक्राता में जबरदस्त बर्फबारी का रेड अलर्ट। सड़कों पर 1 फीट तक जमी बर्फ। चमोली में जबरदस्त बर्फबारी। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद। बागेश्वर में बर्फबारी ने बंद किए रास्ते। शीतलहर ने बढ़ाई मुश्किलें। उत्तरकाशी के मुखीमठ मुखवा में जोरदार बर्फबारी। चारों ओर बर्फ। हिमाचल प्रदेश के नरकंडा में जोरदार बर्फबारी। ठंड बढ़ी। मनाली में जबरदस्त बर्फबारी। जनजीवन अस्त व्यस्त। कुल्लू में जोरदार बर्फबारी। बर्फ से लदे दिखे दरख्त। कुल्लू में बर्फबारी के बीच फंसे पर्यटक। प्रशासन ने किया रेस्क्यू। टिहरी में भयानक बर्फबारी। खेत खलियान और मकानों पर चढ़ी बर्फ की परत। पिथौरागढ़ में 3 दिन से बर्फबारी। लोगों की बढ़ी परेशानी। रुद्रप्रयाग में बेहिसाब बर्फबारी। गांव गांव बर्फ से ढके। रजौरी में जोरदार बर्फबारी। हर तरफ बिछी सर्द सफेदी। उधमपुर में जबरदस्त बर्फबारी। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर बढ़ी मुश्किल। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बूंदाबांदी। पारा गिरने से बढ़ी ठंड। पटना में कोहरे ने रोकी शहर की रफ्तार। शीतलहर ने बढ़ाई मुश्किल।
मनाली में संपन्न हुआ 5 दिवसीय विंटर कार्निवल, गुंजन सकलानी बनी विंटर क्वीन 2020। इंडिया टुडे और हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड की पहल, बी द बेटर गाय अभियान के तहत सड़क सुरक्षा को लेकर कर रहे हैं जागरूक। दिल्ली के शास्त्री नगर में चलती कार में भयानक आग, बाल बाल बचा कार सवार। झांसी में दबंगों ने एक शख्स को पीटा, पिटाई का वीडियो वायरल। ग्रेटर नोएडा में शख्स की लूट के बाद हत्या, पुलिस की लापरवाही आई सामने। बागपत में पति पत्नी के बीच विवाद, झगड़ा सुलझाने पहुंचे दो लोगों ने पति का किया कत्ल। मुजफ्फरनगर में 12 दुकानें जली, लाखों का नुकसान। अलवर में 12 लाख कैश से भरा एटीएम उखाड़ ले गए बदमाश, 24 घंटे में उखाड़े गए 2 एटीएम। कानपुर में उपद्रवियों ने गाड़ी में की तोड़फोड़, तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। नागरिकता कानून के विरोध में हिंसा करने वालों पर प्रशासन का हंटर, मऊ में हिंसा के आरोपी बदल रहे हुलिया। आपू में पंचायत के सामने युवा को खाने पड़े महिला से 5 थप्पड़, मामूली झगड़े के बाद पंचायत ने सुनाई सजा। ननकाना साहिब पर हुए हमले के विरोध में अमरोहा में प्रदर्शन, पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की मांग। अलीगढ़ में कपड़े की दुकान में लगी आग, लाखों का सामान खाक। मिर्जापुर में जमीन विवाद ने बुजुर्ग की हत्या, दबंगों ने बुजुर्ग की बहू पर फेंका तेजाब। सहारनपुर जिला अस्पताल में रिश्वत लेते नर्स का वीडियो वायरल, सीएमएस ने शुरू की जांच। मैनपुरी की जिला अदालत में गोलीकांड पर फंसे पुलिसकर्मी, 10 पुलिसकर्मी निलंबित, 7 गिरफ्तार। नागरिकता कानून के खिलाफ मुजफ्फरनगर में एसपी कार्यकर्ताओं का मुंडन प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने मुंडवाए सिर। श्रावस्ती में तेंदुए ने युवक पर किया हमला, गांव वालों ने मुश्किल से बचाई जान। लखीमपुर खीरी के एसपी ऑफिस के बाहर कुल्हाड़ी लेकर पहुंचा मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक, जमकर किया हंगामा। यूपी के फतेहपुर में महिला की जलाकर हत्या, ससुराल वालों पर दहेज के चलते मारने का आरोप। ननकाना साहिब में हुई हिंसा के विरोध में मुरादाबाद में प्रदर्शन, लोगों ने फूंका पाकिस्तान का पुतला। मथुरा में पिता ही निकला बेटे का कातिल, 2 दिन पहले अपने दोस्तों के साथ किया बेटे का कत्ल। बेमौसम बरसात से प्रयागराज के किसान बेहाल, सरकारी मदद के लिए दिया धरना प्रदर्शन। निर्भया के 4 दोषियों के लिए बटवाला हाउस कोर्ट में डेथ वारंट जारी, 22 जनवरी को सुबह 7 बजे का वक्त। तिलकनगर में हथियारबंद बदमाशों ने लूटपाट की, तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। दिल्ली बीजेपी में चांदनी चौक से निकाला गया शांति मार्च, सीए का समर्थन और जेएनयू में शांति की अपील। नागरिकता कानून के समर्थन में बीजेपी नेता आरपी सिंह ने बांटे डंडे और झंडे, कहा भारत के टुकड़े करने वाले नारे कोई लगाए मारो डंडे। राज ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस की मुंबई में मुलाकात, करीब 1.5 घंटे तक हुई बातचीत। गुरुग्राम में एनर्जी कमांडो के इलाज के दौरान मौत, हाथरस में ट्रेनिंग के वक्त छत से गिरे थे। दरभंगा में 2 दोस्तों ने तीसरे दोस्त का गला दबाकर की हत्या, दोनों आरोपी गिरफ्तार। बेगूसराय में कोहरे के चलते बुलेरो ने सड़क किनारे खड़े 3 लोगों को रौंदा, 3ों की मौत। मोतिहारी में पति पत्नी की हत्या से हड़कंप, हत्या की वजह से तलाशने में जुटे पुलिस। थाने में मुंब्रा के 6 गोदामों में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान। सोनीपत में बदमाशों ने बरसाई ताबड़तोड़ गोलियां, 1 की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। हरियाणा के गोहाना में निर्माणाधीन घर में मिला युवक का जला शव, अब तक नहीं हुई शिनाख्त। रेवाड़ी में प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने पति को उतारा मौत के घाट, दोनों आरोपी गिरफ्तार। सोनीपत से पीएनबी में लूट की कोशिश नाकाम, तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में आतंकी से मुठभेड़, मारा गया आतंकी। राजस्थान के दौसा में बच्चे की मौत के बाद परिजनों का हंगामा, पोस्टमार्टम नहीं होने पर फूटा गुस्सा। राज्य में हो रही बच्चों की मौत पर राजस्थान हाईकोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब। राजस्थान के सवाई माधोपुर में रेलवे कर्मचारियों का प्रदर्शन, रेलवे के निजीकरण का विरोध। पंजाब के होशियारपुर में गिरफ्त में आए 2 शातिर चोर, 10 किलो चांदी समेत चोरी का सामान बरामद। पानीपत में ननकाना साहब में हुई हिंसा को लेकर मुस्लिम समुदाय का प्रदर्शन, पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग। रायसेन में नाबालिग बच्चों से बाइक चोरी कराने वाला शख्स गिरफ्तार, दोनों नाबालिग आरोपी पकड़े गए। मध्यप्रदेश के धार में अनियंत्रित होकर पलटी कार, पलभर में कार खाक। रायसेन में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक कैशियर पर 3,92,000 के गबन का आरोप। मंदसौर में लहसुन चोरी के आरोप में युवक की पिटाई, पुलिस कर रही मामले की जांच। मध्यप्रदेश के पन्ना में आज से शुरू हीरो की नीलामी, 5 लाख तक बहुमूल्य हीरो की होगी नीलामी।